वहीं दिल्ली बीजेपी ने सरकार की नई आबकारी नीति का विरोध किया है। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बदूड़ी ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि शराब की नई नीति केवल आम आदमी पार्टी और सरकार का फंड बढ़ाने के लिए लाई गई है। सरकार ने ना ही नए कॉलेजेस खोलने की कोई नीति बनाई और ना ही कोई नए अस्पताल बनवाने की। उनको ना ही दिल्ली के रेवेन्यू की चिंता है और ना ही विकास की, बल्कि शराब माफियाओं के गिरोह में गिरफ्त दिल्ली सरकार को एक मोटी कमाई नजर आ रही है। तिलक नगर में केजरीवाल जी ने एक बड़ा ड्रामेटिक वो किया था, गए और जाकर के गेम बॉन्ड की तरह शराब की दुकान बंद करा दी। और आज वो दुकान खोलने के लिए गली मोहल्लों में जा रहे। जितने नियम कानून थे शराब की नई दुकान खोलने के, सबको लिबरलाइज कर दिया, उसमें भारी ढील दे दी है। अब किसी भी गली मोहल्ले में दुकानें खोली जा सकती है। यहाँ पर जब सुबह 3 बजे तक, ये कौन सा नियम है कि गली मोहल्लों में शराब की दुकान सुबह 3 बजे तक 24 घंटे दुकानें खुली रहेगी। पहले 25 साल तक की उम्र के जो युवा थे केवल वे ही शराब के ठेके में जाकर शराब खरीद सकते थे, वह उम्र घटाकर 21 साल कर दी। दूसरी बात जो है, जो विजेंद्र जी ने कही कि पहले दिल्ली में 250 प्राइवेट शराब के ठेके थे, अब उसकी संख्या बढ़ाकर 850 कर दी गई है। और इसके साथ साथ होटल्स में, बार्स में, रेस्टोरेंट्स में, बैंकेट हॉल्स में भी शराब जो है वह पिलाई जाएगी। लगभग ये संख्या बढ़कर 3000 हो जाएगी और इसमें दिल्ली के जितने मॉल हैं वह भी इंक्लूड हैं। तीसरी बात जो है, जहां तक शराब जो पहले जो सर्व की जाती थी वह 11 बजे तक की जाती थी, अब उसकी समय सीमा बढ़ा दी है। अब प्रातः 3 बजे तक शराब जो है वह सर्व की जाएगी। एक ये कदम दिल्ली की सरकार ने उठाया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।